मध्य प्रदेश के रण में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने जनता को अपने पाले में लाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जहां एक तरफ नेता रोड शो और जनसभाओं के जरिए उनके बीच पहुंचे, तो वहीं उन्हें अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों से भी साधने की कोशिश की। बीजेपी ने घोषणा पत्र में उन मुद्दों पर फोकस किया जिन पर वो सबसे ज्यादा खिली थी। सूबे में किसान सरकार की परेशानी बढ़ा रहे थे, ऐसे में बीजेपी ने अन्नदाताओं को साधने के लिए वादों की झड़ी लगा दी। बीजेपी ने ऐलान किया कि कृषि समृद्धि योजना का लाभ छोटे किसानों को दिया जाएगा, छोटे किसानों के खाते में भी सीधे पैसा डाला जाएगा। किसानों को फसल का सही मूल्य देने के साथ ही सिंचाई की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। दृष्टि पत्र में महिलाओं युवाओं के साथ साथ बिजली पानी जैसे कई और वादे भी किए गए हैं। महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद के लिए विशेष कोच बनाया जाएगा। 75% से ज्यादा नंबर पाने वाली छात्राओं को निशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में बिजली की क्षमता 14,000 मेगावाट तक बढ़ाई जाएगी। हर साल 10 लाख रोजगार लाने का वादा किया गया है। सूबे में जहां सरकार ने दृष्टि पत्र से लोगों पर डोरे डालने की कोशिश की है, तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम देकर जनता को कई वादे दिए हैं। अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने भी किसानों को अपने साथ लाने की कोशिश की। पार्टी ने ऐलान किया कि सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, जिसकी घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कई बार कर चुके हैं। किसानों के साथ साथ कई और मुद्दों पर भी फोकस किया गया है। वचन पत्र में कहा गया है कि बेरोजगारों को 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, बेघर लोगों को 2.5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा, राज्य में बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपए दिए जाएंगे, वकीलों और पत्रकारों के लिए सुरक्षा अधिनियम लाया जाएगा, 60 साल की उम्र से अधिक पत्रकारों को 10,000 रुपए मासिक दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने पत्र में गायों को लेकर भी वचन दिया है। इनके अलावा एक ऐसा वचन भी दिया गया है जिसने देश की सियासत को ही गर्मा दिया था। कांग्रेस ने ऐलान किया था कि सत्ता में आने पर सरकारी भवनों और परिसर में आरएसएस शाखाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी। कांग्रेस के इस ऐलान से बीजेपी बुरी तरह बौखला गई थी। काफी तू-तू मैं-मैं के बाद ये मुद्दा तो शांत हो गया, लेकिन नेताओं के वादों और दावों का सिलसिला जारी रहा। सभी ने वादों के पुलिंदे बांध कर जीत हासिल करने की कोशिश की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।